हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है बचपन की बातें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है हाउ टू एंजॉय स्कूल लाइफ, कैसे आप अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैंने हर एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा क्यों आप अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। सबसे पहला पॉइंट, स्टडी पर फोकस ना करना। आप अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करते हैं, ऐसा रिजल्ट आपका पढ़ाई में भी मन नहीं लगता है और ना ही आपके अच्छे मार्क्स आते हैं। इसकी वजह से आपके पेरेंट्स और आपके टीचर्स हमेशा आपको डांटते हैं और आपको फोर्स करते हैं अच्छे मार्क्स लाने के लिए। स्टडी पर फोकस ना करने के कारण आप अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है आपकी क्लास में आपके फ्रेंड्स का ना होना। आप अच्छी तरीके से जानते हैं फ्रेंड्स हमारी लाइफ में कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। यदि आपकी क्लास में आपका कोई भी फ्रेंड नहीं है तो आपको अपनी क्लास में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। आप अपने आप को अकेला फील करेंगे और आपको अपनी क्लास बोरिंग लगेगी। फ्रेंड्स ना होने के कारण आप अपनी स्कूल लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है आप अपनी स्कूल की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यदि आपको अपनी स्कूल में अच्छी पहचान बनानी है या अपनी अच्छी इमेज बनानी है तो आपको अपनी स्कूल की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। यदि आपके अंदर कोई टैलेंट है और आप उस टैलेंट को किसी के सामने शो नहीं कर पाते हैं तो आप यकीन मानिए आपका वो टैलेंट किसी भी काम का नहीं है। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, पार्टिसिपेशन इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन विनिंग, इसलिए आप पार्टिसिपेट करिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है आपकी टीचर्स के सामने आपकी इमेज कैसी है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके टीचर्स के सामने आपकी इमेज कैसी है। यदि आपके टीचर्स के सामने आपकी इमेज अच्छी नहीं है तो आप यकीन मानिए आप अपनी स्कूल लाइफ को बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टीचर हमेशा आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आपसे होमवर्क पूछेंगे और वो कभी भी आपकी इंसल्ट कर देंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है स्कूल के वर्क को टाइम पर कंप्लीट ना करना। इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हैं, स्कूल में हमें कितना सारा वर्क कंप्लीट करने के लिए मिलता है, जैसे कि होमवर्क, नोटबुक कंप्लीट करना, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करना एक्सेट्रा। यदि आप अपने स्कूल के वर्क को टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी स्कूल लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप अपनी स्कूल लाइफ को इंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, फोकस इन स्टडी। जी हाँ फ्रेंड्स, आप अपनी स्टडी पर फोकस करिए, आप अच्छे से पढ़ाई करिए और अच्छे मार्क्स लाइए। इससे क्या होगा, आपके टीचर के सामने अपनी आपकी अच्छी इमेज बन जाएगी और आप अपनी स्कूल लाइफ को भी इंजॉय कर पाएंगे। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है मेकिंग न्यू फ्रेंड्स। यदि आप अपने स्कूल में हैं और आप अपने स्कूल में अपने नए नए फ्रेंड्स बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए आप अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ना होने के कारण आप अपने आप को अकेला फील करेंगे और आपको अपनी क्लास बोरिंग लगेगी। फ्रेंड्स, नए नए फ्रेंड्स बनाने के लिए आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जैसे कि यदि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप अपने फ्रेंड से पूछकर अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या फिर आप स्टडी ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, जिससे आपका पढ़ाई में भी मन लगेगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ मस्ती भी कर सकते हैं, उनके साथ मजाक भी कर सकते हैं, उनसे अपनी हर बात शेयर भी कर सकते हैं। यदि आपको अपनी स्कूल लाइफ को इंजॉय करना है तो आपको नए नए फ्रेंड्स बनाने चाहिए। इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है स्टे फोकस इन क्लास। देखिए फ्रेंड्स, मस्ती करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन यदि आप उसे सही टाइम पर करें तो। यदि आप अपनी क्लास में हैं और टीचर्स आपको कुछ पढ़ा रहे हैं तो आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ही फोकस करना है। इससे आपको दो फायदे होंगे। पहला फायदा होगा कि आपकी इमेज आपके टीचर के सामने अच्छी बन जाएगी, और दूसरा फायदा होगा कि आपको क्लास में ही अपना सारा टॉपिक समझ आ जाएगा, जिससे आपको ट्यूशन लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा और पैसा भी बचेगा। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टाइम को अपने हिसाब से सेट कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि आपको मैथ सब्जेक्ट पढ़ना है तो आपको उसके लिए ऐसा टाइम फिक्स करना पड़ेगा जिस टाइम आपका माइंड बिल्कुल ही फ्रेश हो। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप एक अच्छा सा टाइम टेबल बनाइए, उस टाइम टेबल में आप अपना सारा टाइम फिक्स कर लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, यदि आप अपने टाइम टेबल को फिक्स नहीं करेंगे
तो आपका सारा टाइम मोबाइल पर व्हाट्सएप चलाने में निकल जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टाइम को अच्छे से मैनेज करिए। मैं टाइम टेबल के ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा यदि आप कहें तो। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है बी योर सेल्फ एंड हैव फन। इस पॉइंट का मतलब है कि आप किसी को इम्प्रेस करने के लिए अपने आप को बिल्कुल भी चेंज मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए। आप नए नए लोगों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, उनसे नॉलेज कलेक्ट कीजिए, या फिर आप अपने सीनियर से भी मिल सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं मैथ में कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा टफ है। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट के बारे में, जो कि है मेक टीचर योर फ्रेंड। जी हाँ दोस्तों, लास्ट पॉइंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपने टीचर्स को अपना फ्रेंड बना लीजिए। यदि आप अपने टीचर्स को अपना फ्रेंड बना लेते हैं तो आप यकीन मानिए आपको अपनी आपको किसी भी प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। जैसे कि आप अपने टीचर से अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं या अपने सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं एक्सेट्रा। मैं इस टॉपिक पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। यदि आप इन पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आप अपनी स्कूल लाइफ को बहुत ज़्यादा इंजॉय करने वाले हैं। अब फ्रेंड्स लास्ट में मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।